नमस्कार, मैं आपका दोस्त चैनल सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। रोज की तरह मैं आज फिर एक आपके लिए एक मोबाइल की डील लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही सस्ता मोबाइल है। क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर बात करेंगे आज उसी की। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड मेरी अगर किसी ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो उसे भी आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पर उसे छोड़ देता हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैं डेली जो मोबाइल होता है यानी अपकमिंग मोबाइल होते हैं उनको मैं बताता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से कि वो किस डेट में लॉन्च होने वाले हैं, क्या उनका प्राइस रहने वाला है और उसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स आने वाले हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम हर मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ नया अपडेट कर रही है, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करते हैं। और आज जो मैं आपके लिए मोबाइल लेके आया हूँ वो है आपका रियलमी का Q3i मोबाइल। Realme का Q3i मोबाइल, ये क्या है मोबाइल, किस तरीके लगता है, इस तरीके से मोबाइल लगता है पहले आप देख लीजिए। भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगा है ये। अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ देता हूँ, आप वहां से जाके अमेजोन से क्लिक करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इस मोबाइल की बात कर लेते हैं, Realme का Q3i मोबाइल। Realme भी एक बहुत अच्छा OnePlus की तरह एक ब्रांड है, आपको मैं ये भी बता दूंगा। हालांकि बाहर की कंपनी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोबाइल जब तक चल रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर की कंपनियां ही आजकल अच्छी फैसिलिटी मोबाइल के अंदर प्रोवाइड करा रही है। और टाइम टू टाइम आपको पता है फेस्टिवल सीजन है, अगर आप किसी को गिफ्ट वगैरह करने की सोच रहे हो तो मेरे मोबाइलों की वीडियो है काफी सारी, आप उन्हें देख सकते हैं, उस तरीके से आप मोबाइल गिफ्ट कर सकते हैं। और फीचर्स क्या होते हैं माइनस प्लस की भी मैं हर वीडियो के अंदर बात करता रहूँ कि भाई इसके लिए अच्छा फीचर है, ये नया फीचर है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो आज हम इस मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोबाइल में ही आज हम जाते हैं। और सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा, स्क्रीन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है इसकी, एंड साथ ही साथ मैं इसकी लॉन्चिंग डेट भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। फिलहाल हम इसके बात कर लेते हैं फीचर्स के अंदर क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम रैम की। रैम जो है इसके अंदर 4GB की रैम है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा इसका प्राइस बहुत सस्ता है, सबसे पहली चीज है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। रैम जो है इसकी वो 4GB की है। प्रोसेसर जो है इसका वो मीडिया टेक डायमेंसिटी है, इसका डायमेंसिटी 700MT6833 ये इसका प्रोसेसर है। रियर कैमरा है यानी तीन कैमरे इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है, वो है 48MP+2MP+2MP, ठीक है। फ्रंट कैमरे का जो इसका वो है यानी फ्रंट कैमरा जो हम सेल्फी वगैरह लेते हैं जिससे, वो 16MP है, तो मतलब ठीक है, मतलब बुरा भी नहीं कहेंगे तो अच्छा भी नहीं कहेंगे, मतलब पिक्चर बहुत अच्छी आने वाली है, ठीक है। बैटरी की बात कर लें तो बैटरी इसकी है 5000mAh की, बैटरी तो बहुत अच्छी है भाई, बाहर के जितने मोबाइल आ रहे हैं ना ऑलमोस्ट तो सारे 99% मोबाइल बाहर के ही हैं, लेकिन उनके अंदर बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। कल मैंने एक वीडियो बनाई तो उस पर 7000mAh का मोबाइल था, वो सैमसंग का मोबाइल था लेकिन उसकी बैटरी बहुत अच्छी थी, ठीक है। लॉन्चिंग डेट उसकी अक्टूबर की थी, इसकी बात कर रहे हैं हम, टाइम वेस्ट नहीं करते, सॉरी। तो इसकी जो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड V11 है, यानी लेटेस्ट वर्जन ही है आपका। अभी तक मैंने जितने भी मोबाइलों को रिव्यू किया है ना उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेटेस्ट वर्जन का ही मिला है, इनके अंदर एंड्रॉयड V11 ही मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है अगले साल फिर वो चेंज हो जाएगा, वो टाइम ईयरली वाइज चेंज होता रहता है, ठीक है। कस्टम UI जो है इसका रियलमी UI है, ये भी बहुत अच्छी बात है इसकी, वो तो उसी का ही होगा, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं यार इसके चिप की, तो डुअल सिम का है ये सबसे पहली चीज है, सॉरी सिम की, तो इसकी डुअल सिम है, नैनो सिम है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो, नैनो भी लग सकते हैं बड़ी भी लग सकती है, तो सिंपल सा बनना है, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं रैम टाइप की, ये शायद आपको नहीं पता होगा, रैम टाइप इसका है LPDDR YX, ठीक है। ये तो सही बताओ मेरी भी समझ में नहीं आया भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो मेरी भी समझ से बाहर रहती है इसके अंदर। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि इस मोबाइल की जो बैटरी है, और साथ ही साथ मैं इस मोबाइल के अंदर आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा, इसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटी जो मोबाइल के अंदर होता है, जैसे फ्लैश लाइट हो गई आपकी और लॉक वगैरह भी है, वो तो आजकल आपको पता है सब में, ट्रिपल कैमरा है 48:2:2 बता दिया मैंने आपको, फ्लैश लाइट है वो भी HD के अंदर है, सबसे पहली चीज़ है फुल HD मोबाइल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर आप सोचे कि हम पैसा दे रहे हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से, मैंने अभी तक इतना रिव्यू करा है इस रेंज में मेरे को मोबाइल नहीं मिला, सिर्फ रिलायंस की बात छोड़ के, ठीक है। तो आपको पता है रियलमी का ब्रांड वैसे भी महंगा पड़ता है थोड़ा, लेकिन इस बार लेके आ रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी डुअल सिम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसकी 128GB इसकी इंटरनली स्टोरेज है, और बाकी डिपेंड करता है आप अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसे
256 यानी 256 MB तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली 128 बहुत होता है मेरे ख्याल से आज की डेट में। अगर आप वीडियो वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते शूट करना तो 128 MB बहुत होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार देखो उसकी प्राइस की। प्राइस इसका बहुत बढ़िया है। सबसे पहली चीज प्राइस है मात्र इसका 11,590 रुपीज। तो यार मतलब 11,590 रुपये में इतने सारे फीचर्स के साथ इतना बड़ा मोबाइल बढ़िया है भाई, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और मेरे को आई थिंक इस मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली पहली बार बताऊं, बाकी देखो यूज करने के बाद पता चलता है। और साथ ही साथ मैं इसके आपको ये भी ओपन कर देता हूँ कि इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो क्या थी। इसी मंथ लॉन्च होना था लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया। फेस्टिवल सीजन को देखते हो ना, इस मंथ में बहुत सारे मोबाइल ऐसे थे जो कि लॉन्चिंग के लिए रेडी पड़े हुए थे, लेकिन फेस्टिवल सीजन भाई दिवाली चल गया, दिवाली मतलब अब आप समझ रहे हो सारे के सारे प्रोग्राम चल गए अब तो। ठीक है, तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट इन्होंने कर दी है वो कर दी 21 अक्टूबर 2021। ठीक है, यानी 21 अक्टूबर 2021 इसकी लॉन्चिंग डेट कर दी गई है, और मे भी हो सकता है उससे पहले भी ये लॉन्चिंग हो जाए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उससे पहले अगर ये लॉन्च होगा तो मैं उसकी वीडियो आपको 100% क्रिएट करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसका प्राइस भी डाउन होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जहां तक मेरा लग रहा है चाहे 100 रुपये 200 रुपये इसका डाउन होगा या अप होगा, ये सब मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ। क्योंकि जितने भी मोबाइल का मैं रिव्यू करता हूँ ऑलमोस्ट उनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट आता है तो मैं उस पर काफी अवेयर रहता हूँ, तभी मैं आपको डेली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना करा पाता हूँ। सॉरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज यार कर लो यार, वीडियो को लाइक तो कर ही दो। चलिए ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है हाँ जी इस मोबाइल से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, बाकी मैं इसका अमेजोन पे एक लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके इस वीडियो को सॉरी मोबाइल को एक बार सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।